everyone. This is Saman Asad, image consultant from Noor by Jugan Kazim. और आज हम पहुंच गए समीना जी के पास. हेलो. सलून है वाई ब्लॉक डीएचए में. और यहाँ पर आज हम नूर को लेकर आए हैं. बेसिकली एक्चुअली आप लोगों को पता है कि जुगन काजम ने ये ब्रांड लॉन्च किया है नूर प्रोडक्ट का. जुगन काजम लॉन्च किया है तो जुगन की अपनी स्किन माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, बड़ा ग्लो कर रही होती है, स्पॉटलेस है, रिंकल लेस है और ब्लेमिशेस नहीं है, बिल्कुल क्लीन और बहुत ही खूबसूरत स्किन है. तो वो जो स्किन है, स्किन टाइप है, उस आप देखें वो स्किन ऐसे ही नहीं है, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. ख़वातीन को अपने लिए वक्त निकालना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी में से अपने आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है. तो ये इम्पोर्टेंस को इनक्रेज करने के लिए ऑब्वियसली समीना जी जैसे बड़े सलोन्स हैं यहाँ पर जो लड़कियों को, औरतों को इनक्रेज करते हैं कि अपने लिए केयर करें. समन राशिद से तो खैर बहुत अच्छा ताल्लुक है और साथ साथ इन्होंने इतनी अच्छी प्रोडक्ट जो हमें दी, तो हम तो इससे इतने खुश हैं कि पहले तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं. बिल्कुल. क्योंकि सब मुझे जानते हैं समीना जी के नाम से और तकरीबन कोई 35 साल से मैं इस फील्ड में हूँ. अब जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स बन रही है. और हमारे पाकिस्तान में अब तो खैर बहुत सी चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं कि हमें अब किसी और बाहर के मुल्कों से इम्पोर्टेड चीज़ें नहीं लानी पड़ती. हमारे यहाँ पे ही सारी मैन्युफैक्चरिंग और सब लोग अब इतने इंटेलिजेंट हमारे लोग हैं, जिसमें एक जुगन काजमी है जिन्होंने ख़ास तौर पे ये हमारे लिए नूर के नाम से प्रोडक्ट जो लॉन्च की है बहुत ही ज़बरदस्त है. तो आगे हम देखते हैं कि इसको कैसे हम आगे अप्लाई करेंगे, तो आपको ये बताएंगे कि हमारी रूटीन के लिए ये कैसी अच्छी प्रोडक्ट साबित हो सकती है. सो इसमें देखा जाए तो फेस वॉश में ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, इसके अलावा आपने देखा है एक्नी के लिए, स्किन के लिए जो सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है एक्नी की, और यंग लड़कियों को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है गर्मियों में, तो ऑयली स्किन के लिए ऑयली स्किन और बहुत प्रॉब्लम होती है स्किन की. तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि कम से कम इसमें कोई केमिकल नहीं है. सबसे अच्छी बात, पॉजिटिव बात ये. तो आप चाहे आप इसको 3-4 दफ़ा इस्तेमाल करें तो आपको कोई इसके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे. क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया. तो ये हमने तो बहुत यूज़ किए हैं, कमाल का रिजल्ट है. लेकिन अभी वो हम चीज़ अभी रिज़ल्ट आपको सारे इसके थोड़ी सम करके दिखाएँगे कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है स्किन के ऊपर. बिल्कुल ठीक है. आप कोई भी टिशू या फिर वाइप्स ले सकते हैं, तो आप इजीली इसके साथ कर सकते हैं कि इसको पहले आप फोल्ड कर लो. ये सबसे अच्छी बात ये है कि हमें कॉन्फिडेंस है इस प्रोडक्ट पे, क्योंकि नॉर्मली कॉन्फिडेंस नहीं होता और हम इतने एहतियात से इन चीज़ों को ले रहे होते हैं. ठीक है, तो ये है कि आप इजीली ये देखें रिमूव कर रहे हैं, इसीलिए मैं खुद से करके दिखा रही हूँ. ये हम हाफ स्किन जो है ना वो साइड पे कर रही हूँ मैं, ताकि पता चल जाए आपको. ठीक है, अब ये देखिए सामने कि फ़र्क देखो, फौरन फ़र्क नज़र आ रहा है. ठीक है, क्लिंस किया हुआ और जो रिमूव किया हुआ और मेकअप वाली साइड आप देखें. ठीक है ठीक है. अब इसका जो फेस वॉश अप्लाई करने का तरीका है वो जो आपने कहा था कॉम्बिनेशन स्किन के लिए. जी कॉम्बिनेशन इसके भी, क्योंकि थोड़ी बहुत एक्नी की प्रॉब्लम है जो माथे पे है, नॉर्मली लोगों को माथे पे होती है क्योंकि ये इसमें हीट होती है इस जगह पे. तो ये इसकी मैं आपको अभी क्लींस करके दिखा देते हैं हम. ठीक है, इसका एक तो हम एक्नी वाला इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, ओके. और एक हम इसमें थोड़ा सा नॉर्मल डाल लेंगे. ओके, दोनों ही हम करेंगे क्योंकि ड्राई स्किन नहीं है इसकी, तो इसमें हम नॉर्मल और एक्नी वाला इस्तेमाल कर लेंगे. ठीक है, परफेक्ट हो गया. तो चलें करें बेटे. बेसिकली फेस वॉश नहीं हो रहा है, पूरा इसके ऊपर एक प्रोसीजर होता है, राइट वे जो है इसको अप्लाई करने का, और इसको किस्सा आपने सर्कुलर मोशन में जो है आपने इसको करना है ताकि अच्छे से झाग बन जाए, ताकि क्लींजिंग बड़ी अच्छी हो जाए. नॉर्मली लोग गर्दन छोड़ देते हैं. ठीक है ना, अभी भी बच्ची जो है वो थोड़ा सा ऊपर कर रही थी तो मैंने इसको कहा गर्दन भी. ठीक है, ये हो गया इसका प्रॉपर. जी इनका प्रॉपर हो चुका है. ठीक है, बस अब ये इजीली मूव कर सकती है. लिपस्टिक दोबारा से लगाएं, दोबारा से हल्का सा मेकअप कर लें, कुछ कॉम्पैक्ट लगाना है वो लगाएं. डन हो गया. तो ये देखें आप एकदम से उसकी स्किन नीट होगी. नीट होगी, सबसे बड़ी बात ये. हाँ, जो उसने बल्कि पहले मेकअप किया हुआ था उससे ज्यादा अब उसकी ग्लो कर रही है, बजाय के मेकअप के साथ. जबरदस्त हो गया.
फेस ग्लो और स्क्रब है ये बेसिकली, तो स्क्रबिंग के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा समीना जी, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं यहाँ पे जी. और स्क्रबिंग के लिए आपका एक पूरा प्रोसेस होता है जो फेशियल में होता है जी, बिल्कुल ठीक है। फेशियल में आप स्क्रब किस टाइम पे आके करते हैं? फेशियल में हमारा कोई थर्ड स्टेप होता है ये, ठीक है स्क्रबिंग का, बिल्कुल। और इसका मकसद क्या है बेसिकली? एक्चुअली देखिए, ये ड्राई जो स्किन होती है हमारी, डेड स्किन होती है, उसको रिमूव कर देती है, ठीक है। फिर ये कि आपकी स्किन काफी इससे ये होगा क्योंकि डस्ट अच्छी तरह रिमूव, जो हमें डाउट रह जाता है क्लिंजिंग में, तो डीप क्लिंजिंग ये स्क्रबिंग से, बिल्कुल जो डाउट रहता है वो इससे हम उसको कम्प्लीट कर लेते हैं। अच्छा सुनिए, हमारे पास ना रोज वाटर भी है स्क्रब करने का एक बेहतरीन तरीका जो है वो नूर का, मैं आपको ये भी बताऊं, नॉर्मली लोग जब स्क्रबिंग करते हैं तो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के लिए सादा पानी यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम रोज वाटर, और ये देखिए ये नूर का रोज वाटर है जिसको आप किसी भी चीज में शामिल करके चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये समीना जी, ये रोज वाटर है, इसके साथ कोकम्बर जो बिल्कुल ये इस्तेमाल करते हैं हम रोज वाटर भी, और वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ आप क्या यूज करना चाहते हैं। हाँ जी, बट वी विल सजेस्ट यू कि रोज वाटर आप ऐड करें जी। मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि रोज वाटर आप इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर है इसके लिए। तो इसका ये है कि आप, क्योंकि नॉर्मली लोग स्क्रब लेते हैं और पानी इस्तेमाल करते जो कि समन ने बताया, लेकिन नॉर्मली ये भी करते हैं लोग स्क्रब डायरेक्ट अप्लाई करना शुरू कर देते हैं जो कि बेहतर नहीं रहता स्किन के लिए, क्योंकि जितना आप डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे तो वो आपकी स्किन को कई दफा डैमेज भी कर सकते हैं। अच्छा लिप्स का ये है कि लिप्स को मॉइस्चराइज करना है तो नॉर्मली लड़कियां तो आजकल खैर बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है हल्का सा स्प्रे कर लेंगे, खाना नहीं है हाँ जी और अच्छी तरह होंठ दबा के रखने। ये देखें इस स्क्रब से और इस मॉइस्चराइज से वो कम से कम बाहर आ जाएगा, ठीक है अपने कलर में आ जाएगा, ठीक है। और रेगुलर इस्तेमाल करने से तो मुझे लगता है कि इससे चेंज होना शुरू हो जाता है कलर। तो नूर का मकसद ये था बेसिकली इसकी पैकेजिंग इतनी छोटी रखी जाए कि हर एक की एक्सेस में आसानी से हो सके। बिल्कुल ये हर कोई खरीद सकता है, बिल्कुल ये तो बड़ा जबरदस्त। हाँ जी ये देखे उसका कलर और इसका बहुत अच्छा अपना कलर था तो जो फौरन वापस आ गया, ठीक है। चिलर के साथ हम ना ये स्क्रब ले रहे हैं और सबसे पहले हम इसके ऊपर रोज वाटर का ना स्प्रे कर देंगे। चलिए आप साथ साथ करो, ये और स्क्रब की हमें जरूरत है ज्यादा, जैसे कि इनकी स्किन के अकॉर्डिंग चले अगर तो देखो इनके भी नाक के ऊपर जरूरत है। और बस ये 5 मिनट्स में आपका फौरन फेस आपका साफ हो जाएगा और ये आपके रिमूव भी हो जाएंगे ब्लैकहेड्स। ये देखिए किस तरह हमने चीक्स को बहुत ही मजे का रेड लुक दे दिया है। सेकेंड वाले की भी बारी है, स्माइल से हमें थोड़ा पॉइंट भी मिल जाता है ना कि हमने कहाँ पे बेसिकली ये टेंट अप्लाई करना है। आप चाहिए वैसे तो जरूरत नहीं होती कि आंखों के ऊपर भी आप बाहर जाते थे क्योंकि वो बड़ा फॉर्मल मेकअप हो जाता है, लेकिन इस टेंट का इस्तेमाल ये बड़ा अच्छा है कि आप इसको अपनी आंखों के ऊपर भी लगा सकते हैं। जैसा आप आई शेड अप्लाई करते हैं वैसे आप इस लिक्विड जो आपके पास टेंट है इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अब ये रेडी है बाहर जाने के लिए, आप इसको देख सकते हैं कि इसका कितने मजे से जो है ना वो टेंट अप्लाई हो गया है। मसाज जो है हाँ, फेस पे कैसे मसाज करना है, वीकेंड्स पे आप अपने घर बैठकर किस तरीके से अपने फेस को मसाज कर सकते हैं। करना क्या है कि एसेंशियल ऑयल को कभी भी डायरेक्ट अपने फेस पे या स्किन पे अप्लाई नहीं करना। एसेंशियल ऑयल्स में सिर्फ चंद कतरे दरकार होते हैं, इसके साथ करियर ऑयल की जरूरत होती है। करियर ऑयल में आपके पास जो भी मौजूद हो उसमें आपने चंद ड्रॉप्स डाल दिए, 2 से 3 ड्रॉप्स। तो हम लेने जा रहे हैं कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है वो वर्क करता है एज अ करियर ऑयल। उसके बीच में एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे और ये आपको बताएगी कि किस तरीके से मसाज करना है, और समीना जी जो है डेफिनेटली वो आपको इसके बारे में मजीद एक्सप्लेन करेंगी। एक ड्रॉप सिर्फ डालना है, बहुत ज्यादा ये ऑयल नहीं डालते, बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो ये एक ड्रॉप हमने डाला है, तो बेटे आप इनकी मसाज जरा करके इनको दिखाएं। ऐसे
ये जरा हम थोड़ा सा ऑयल को जो ऊपर हल्का सा रहता है ना उसको हम जरा पेनिट्रेट कर लेंगे। ये देखें इसकी तो साथ स्किन के ऊपर से उतर रहा है ना। ये सिर्फ एक दो कतरे ही इस्तेमाल करने, ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना, ये मैं आपको बार बार मेंशन कर रही हूँ। इसके देखो ये पैचेस बने हुए, ड्राई पैचेस। आपका कहने का मतलब ये है कि जितनी स्किन स्ट्रांग होगी हाँ उतना ही आपको मिक्सचर भी स्ट्रांग चाहिए। बिल्कुल, अब ये देखो इसको जरूरत है, देखो इसका बिल्कुल प्लेन एक कलर का पाव ही नहीं है, ठीक है, जगह जगह ये देखो निशान है। तो अब इस चीज को अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा अपनी प्रोडक्ट को एनहांस करना चाहते हैं तो हमारे पास तो इसी प्रोडक्ट में इतनी चीजें हैं। बिल्कुल सही है। अब ये देखें, अब ये पाओ में फर्क भी जरा देख लें। ओए होए होए, एक मिनट मुझे पिक्चर लेनी है भाई। ये और विद हमारे साथ प्रोडक्ट जरा दिखाएं, ये देखें ये प्रोडक्ट के साथ आप देखें। तो क्यों ना इस्तेमाल करें सब लोग, बस जल्दी से जाएं और नूर की प्रोडक्ट आप अपने घरों में जरूर रखें। समीना जी से अवेलेबल है, समीना जी से आप लोग आकर ले सकते हैं। और इसको भी आप रोज वाटर के साथ या एलोवेरा जेल के साथ बिल्कुल कर सकते हैं। अब पहले आप देख लें, उसके बाद आप इसका रिजल्ट भी चेक तो देखिए अभी उसने लगाया ये तो फर्क नजर आना शुरू हो गया। अभी हल्की सी इसने मसाज की, हाथों का डिफरेंस आप देखो। अभी 2-3 मिनट्स हुई है मसाज, रूटीन में करने से इसका कितना फर्क आ जाएगा।